नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लाए हैं विश्व धरोहर आगरा किला के बारे में वीडियो लेकर। दोस्तों यहां पर हम पूरा आपको आज जानकारी देने वाले हैं कि यह किला कब से कब बनवाया गया था, कौन कौन सा आपको चीज़ अंदर में देखने को मिलेगा। हम टूरिस्ट गाइड करने वाले हैं और टूरिस्ट गाइड के द्वारा जानेंगे कि इस जगह में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा और किस प्रकार से आप आओगे आगरा किला तो आपको घूमना है। दोस्तों आज गाइड के द्वारा पूरा जानकारी हम लेने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं मैं, यह आगरा किला एक यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। यह किला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। इसके लगभग 2.5 किलोमीटर दूरी में आपका विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल भी मौजूद है और दोस्तों यहाँ के लोकल लोग भी इसे प्रसाद महल का नगरी भी कहते हैं। तो दोस्तों चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं और जानते हैं टूरिस्ट गाइड के द्वारा कि अंदर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपको बता दूं मैं, जैसे आप अंदर जाओगे तो यहाँ में बहुत सारी चीज़ आगरा किला में प्रतिबंधित है, खिलौने भी नहीं ले जा सकते और आपका स्टैंड वगैरह है, अलग से ट्राइपॉड वगैरह है, बहुत सारे चीज़ यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो उसको यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, देख सकते हो, इस बोर्ड में बहुत सारी चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लेकर नहीं जा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आगरा किला में प्रतिबंधित वस्तुएं हैं, उसका नाम यहाँ पर देख सकते हो, खाद्य पदार्थ ले नहीं जा सकते हो, फूल हो गया, टार्च, मिठाई, हथियार और ड्रोन कैमरा वगैरह, बहुत सारी अलाउड चीज़ यहाँ पर नहीं है, तो आप देख सकते हो। तो चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं। दोस्तों अभी हम आगरा किला की ओर बढ़ रहे हैं और देख सकते हो यहाँ पर, आपको बता दूं मैं, यहाँ पर बहुत सारे जो सम्राट थे वो राज किए हैं, जिसमें से भारत के मुग़ल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब यहाँ रहा करते थे। दोस्तों यहाँ 1487 लेकर 1587 तक सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने आगरा की यात्रा की तथा इसने इस किले की मरम्मत करवाई थी। तो चलिए अंदर लेकर चलते हैं और भी आपको, और जानते हैं इस आगरा किला के बारे में टूरिस्ट गाइड के द्वारा। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो गिलहरी को खाना खिलाते हुए, बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पर जब आओगे आगरा किला में तो यहाँ पर गिलहरी को अपने हाथों में खाना खिला सकते हो, तो आइए यहाँ पर, ये भी एक नया एक्सपीरियंस लगा अपने को। चलिए चलते हैं और इसको दिखाते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो हम हैं आगरा किला के जस्ट फ्रंट गेट पे और यहाँ से एंट्री लगता है। दोस्तों जैसे आप आओगे तो गेट है, गेट के सामने से घूमते हुए दिख रहा है, यहाँ से आपको यहाँ से एंट्री लेना है। तो चलिए अंदर चलते हैं और क्या क्या आपको देखने को मिलता है दिखाते हैं। ये महल कौन सा वाला? जहांगीर महल है ये जी। और ये बैग में एक टप रखा हुआ देख रहे हैं, जहांगीर के लिए स्नान करने के लिए बाथ टप हुआ करता था। हाँ। गोल्ड से कवर्ड था, महल के अंदर में था, जब ब्रिटिश साहब गोल्ड के कवर्ड को निकाल के ले गए, टप को बाहर छोड़ दिया। अच्छा। बिल्डिंग से हम लोग अंदर एंट्री लेंगे, सीरियल से फोर्ट का विजिट करेंगे, वो गेट से सर हम एग्जिट करेंगे। अच्छा। ओके। तो दोस्तों यहाँ पर अपन गाइड ले लिए हैं, गाइड के अनुसार से आप जब आओगे आगरा जो फोर्ट है वहाँ पर, बिना आप गाइड के घूमोगे तो कोई आपको कुछ भी ज्ञान नहीं मिलने वाला। तो आप आते हो तो आप गाइड लेकर जरूर आइए। तो चलिए आज गाइड के साथ घूमते हैं और पूरे इसके बारे में नॉलेज जानते हैं। इस बिल्डिंग को सर अकबर बादशाह बनाए थे अपने बेटे के लिए जी। पहले महल के अंदर में अकबर और जोधाबाई रहती थी। हाँ। इसके बाद में उनके बेटे रहते थे जहांगीर। कौन सा महल है उसका? ये जहांगीर महल है। अच्छा, ये पूरा महल जो दिख रहे हैं आपको जहांगीर महल है। यहाँ सर नाच गाना होता था, नाच गाना होता था। अच्छा। महल के नाम से जाना जाता था। अच्छा। कुछ दासियाँ स्मॉल विंडो में बैठ के देखती, फूल बरसाती थी। अच्छा। टॉप के अंदर में राजा बैठते, विंडो के अंदर में रानियाँ, उनके जो लेवल के गेस्ट आते थे अदर टॉपों में बैठते थे। पूरा डिजाइन राजस्थानी जयपुरी डिजाइन से बना हुआ। अच्छा। हाँ। इधर की साइड में जोधा के लिए एक मंदिर होता था जिसमें राधा कृष्ण की मूर्तियाँ रखी जाती, जोधाबाई बैठ के पूजा करती। औरंगजेब राजा बने, मूर्तियों को बाहर निकलवा दिया, वो हिंदू धर्म को नहीं मानते जो शाहजहां के लड़के थे। लाइट नहीं था मुगल ज़माने में, डोर नहीं था, डोर की जगह पर्दे यूज करते थे। हाँ। लाइट की जगह मसाल जलाते थे। अच्छा। गर्मियों में सर बिल्डिंग को ठंडा कैसे करते थे वो बिल्डिंग आपको चल के दिखाऊं। ये डाइनिंग एरिया होता था, ये स्लीपिंग एरिया होता था, दोनों साइड में पर्दा सिस्टम थे। अच्छा। और हाँ कर्टन्स, और आपके बैक में लाइब्रेरी का पार्ट होता था। अच्छा, ये लाइब्रेरी है। ठाकुर राजा ले रहे, चलो ये ड्रेनिंग सिस्टम है, ये अच्छा है। यहाँ पर ड्रेनिंग वगैरह करते थे। गेट के अंदर में जोधाबाई का किचन था जिसमें हिंदू खाना, यहाँ से किचन था जोधाबाई। अच्छा।
छत के ऊपर में वाटर टैंक है जी, दीवारों के अंदर में बीच में गैप है, वाटर टैंक से कॉन्टैक्ट है। अच्छा, टैंक से इसके बीच में पानी आता था, राइट में यमुना नदी है, हवा चलती दीवार से टच करके बिल्डिंग कूलिंग हो जाता, नेचुरल एसी का काम करता था, ये नेचुरल एसी है। अच्छा, तो पानी ऊपर भर देते थे, हवा लगने से पूरा खोल जाता। ये रेड स्टोन का वर्क अकबर जहांगीर के समय का है, व्हाइट मार्बल शाहजहां के समय का है। अच्छा, इधर रेड स्टोन लगाया और व्हाइट मार्बल इधर लगाया। ये शाहजहां मुमताज का बेडरूम था, खास महल कहते हैं इसको जी। ये बगल में उनकी छोटी लड़की रहती रोशनारा, पालकी मोटर से महल है, और खास महल के दूसरी साइड में दूसरी लड़की रहती जहानारा जी। ये डोली डिजाइन महल बनाया शाहजहां मुमताज की लड़की थी ये रोशनारा जी। सामने ताजमहल है, बगल से यमुना नदी है, और ये टाउन में जो फर्स्ट में जो खंडक देख रहे हैं इसमें पानी और मगरमच्छ रखे जाते थे। ये रैंप पर सोल्जर खड़े होते हैं, इसमें जानवरों को छोड़ दिया जाता टाइगर्स वगैरह को, ताकि बाहर को कोई एनिमी एंटर ना कर सके। किले की सेफ्टी के लिए चारों साइड से बना हुआ है, एनिमी सेफ्टी पर्पज के लिए। आगे आपका बिल्डिंग मुमताज महल है, जिसमें शाहजहां मुमताज रहते हैं, उसको खास महल कहते हैं। शाहजहां मुमताज का बेडरूम है, खास महल कहते हैं। लाइट में था, हवा के लिए विंडो, बैक साइड में यमुना नदी, उधर से ठंडी हवा आती। ब्लैक डिजाइन पूरा गोल्ड से कवर्ड होता था, ब्रिटिश आया हीट करके गोल्ड को निकाल लिया, हीट किया कलर पूरा ब्लैक हो गया। अच्छा, बिल्डिंग के डाउन में जो गार्डन जैसा एरिया देख रहे हैं, अंगूरी बाग होता था, अंगूरों से नेचुरल वाइन बनाया जाता था, बादशाह लोग पीने के काम लेते थे, इसमें शाहजहां मुमताज रहते थे। सामने रूम देख रहे हैं, ये जनाना खाना होता था, जितनी अदर लेडीज थी ना सबको इधर रखा जाता था। बिल्डिंग को चारों साइड से पर्दे से कवर करते थे। ये जो गार्डन देख रहे हैं नीचे, मुगल जमाने में ये ग्रेप्स गार्डन था, है ना, ग्रेप्सों से नेचुरल वाइन बनाया जाता था। तो ये शाहजहां मुमताज का बेडरूम है, खास महल कहते हैं, लाइक मुमताज महल कहते हैं। ये जो डिजाइन बना बना है वो क्या चीज़ है? कौन सा ये तो गार्डन? ये अभी अपना गवर्नमेंट है, वो चार भागों में इसको गार्डन को डिवाइड कर दिया है ना, चार बाग के नाम से जानते हैं, लेकिन मुगल जमाने ये अंगूरी बाग होता था। ये उनकी बड़ी बेटी का महल है शाहजहां मुमताज का, रोशनारा पैलेस है, पालकी डिजाइन है वही डोली डिजाइन। अच्छा, और ये ऊपर में जो राउंड में व्हाइट वाले स्टोन देख रहे हैं, इसमें हॉल हो रहे हैं, इनमें मशाल जलाते थे। अच्छा, जो हॉल दिख रहे हैं उसमें। ठाकुर, इस बिल्डिंग में शाहजहां को हाउस अरेस्ट करके रखा था, जब हाउस अरेस्ट किया तो वो प्लेस पर शाहजहां बैठते, वहाँ से बैठ के ताजमहल को देखते। अच्छा, रोशनी कमज़ोर हो गई, दीवार की लेफ्ट में एक मिरर लगाया उनकी बड़ी बेटी जहानारा, मिरर में ताजमहल देखते नज़दीक बड़ा दिखाई देता रिफ्लेक्शन से। अच्छा, लास्ट में बिल्डिंग में ही शाहजहां की डेथ हो गई, बॉडी को ताजमहल ले गए और मुमताज की साइड में जाकर उनको दफनाया था। बिल्डिंग का नाम है मुशम्मन बुर्ज। अच्छा, इसमें शाहजहां की माँ रहती जिसका नाम था नूरजहान जी। ये गुलाब जल से फाउंटेन चलता बिल्डिंग की खुशबू के लिए। आपके बैक साइड में डोर है, यहाँ उनका टॉयलेट बाथरूम किचन होता, बीच का गेट मुमताज के लिए स्नानघर होता, शीश महल कहते थे, ये रिपेयरिंग की वजह से लॉक किया है जी। बिल्डिंग के छत के ऊपर में वाटर टैंक था, ये स्लोप से पानी डाउन करता, अंडरग्राउंड होके आता तो वो फाउंटेन चलता जो मैं आपको बोल रहा था। अच्छा, लाइट नहीं होता तो जो राउंड में व्हाइट वाले स्टोन है उनमें कैंडल जलाते, जो फायर कैंडल होती है ना उजाले के लिए। ऊपर सर आपका दरबार हॉल है जिसको दीवाने खास कहते हैं।
स्क्वायर की विंडो है ये। अच्छा, इसके अंदर में मीना मंदिर था जिसमें साजन बादशाह नमाज पढ़ने के लिए आते थे। अच्छा, नमाज का उसका जगह था। ये सामने बिल्डिंग दीवाने खास है, यहाँ वीआईपी दरबार होता था, इसको राज्यसभा कहते हैं जी। मौसम ख़राब होता बिल्डिंग के अंदर में मीटिंग चलता और नॉर्मल होता मीटिंग बाहर होता। अच्छा, यहाँ पर बाहर मीटिंग होता, ब्लैक वाले स्टोन पर राजा, वाइट वाले पे वजीर मंत्री, वीआईपी गेस्ट साइड में बैठते, कारपेट होता, गर्मी होती टेंट लगाते। अच्छा, अंग्रेजों ने फोर्ट पर हमला किया 1803 में, तोप से गोले मारे यमुना नदी की तरफ से जी। फर्स्ट गोला ब्लैक स्टोन पर लगा, स्टोन बीच में से ब्रोकन हो गया, वहाँ से गोला जंप कर गया, जंप करके गया तो दीवाने खास के लास्ट कॉर्नर में जाके लगा कि छोटा सा ब्लैक होल हो रहा है, दिखाई दे रहा है इधर की साइड में। ऊपर में जितना रूम्स देख रहे हैं मुगलों के ऑफिस होते हैं, इनको रिकॉर्ड रूम कहते हैं जी। डाउन में रानियों के लिए बाजार लगता, मीना बाजार कहते थे। अच्छा, गार्डन वाला एरिया, एक तालाब होता था जिसमें कलरफुल मछलियाँ पाली जाती। फोर पिलर देख रहे हैं, साजन बैठते थे, अपोजिट में मुमताज, साजन मुमताज में कॉम्पिटिशन होता, एरो से मछली मारते टाइम पास के लिए, फिशिंग पॉइंट कहते थे। औरंगजेब का टाइम आया, मिट्टी डाल के इसको क्लोज कर दिया। अपने नीचे उनका रिजर्व बैंक होता जिसको टक्साल कहते थे। कॉर्नर में जो एक बिल्डिंग दिख रहा है ना, यहाँ शाही हमाम था, शाही मीन्स रॉयल हमाम इज बाथ, लाइक रॉयल बाथरूम, जल पूर्ति व्यवस्था, वाटर सप्लाई सिस्टम। नीचे आपका बिल्डिंग दीवाने आम होगा, जब पब्लिक दरबार होता जिसको लोकसभा कहते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं ये पूरा बिल्डिंग के अंदर है कुछ इस प्रकार से, और ये जो गाइड बता रहे हैं पूरा एक एक जानकारी आपको दे देते हैं, आप आओगे तो। तो 9 ही 6 ही पॉइंट जाता है, 16 पॉइंट हो। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जहांगीर का बाथ टब देखा था, देखा, एक साइड में डाइनिंग एरिया, एक साइड में स्लीपिंग एरिया, डांसिंग हॉल, नीचे का साइड लाइब्रेरी का, ऐसे करके 16 पॉइंट। अच्छा, बिल्डिंग 4 है। इस बिल्डिंग को दीवाने आम कहते हैं, लोकसभा मीटिंग हॉल जी। डिजाइनिंग से बना हुआ पार्ट देख रहे हैं, मयूर सिंहासन था, ऊपर में राजा बैठते थे, साइडों में जो विंडो है इनके अंदर में रानियां, डाउन में स्टोन है, यहाँ मंत्री बैठता है, फर्श पर पब्लिक, पब्लिक का यहाँ मीटिंग चलता तो उनका न्याय और फैसला किया जाता। बिल्डिंग को जजमेंट प्लेस कहते हैं, लाइक पब्लिक कोर्ट कहते हैं। बैक साइड में जो वाइट वाली मस्जिद है ना, इसको मोती मस्जिद कहते हैं। ये साजन पब्लिक के लिए बनवाए थे, रिपेयरिंग की वजह से गवर्नमेंट इसको लॉक किया है। ये किले का बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, बाउंड्री का उस पार का एरिया है ना, ये 75% एरिया आर्मी का पार्ट है। अकबर बादशाह ने फोर्ट को दो भागों में डिवाइड किया, 75%। सो गाइस, जब आप आगरा फोर्ट आओगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, आप तो डायरेक्ट घूम सकते हो खुद से, या आप यहाँ का टूर गाइड ले सकते हो। टूर गाइड लोगे दोस्तों यहाँ पर अपने अनुसार से रेट लेते हैं, 700, 800, 1000 रुपये ऐसे बोलते हैं, लेकिन आप चाहो तो 200 से 300, 400, 500 में भी लगा सकते हो। यहाँ से 16 से 18 पॉइंट आपको ही बताएंगे, स्टार्टिंग में जो टप रखा है उसको बताएंगे, फिर गेट के बारे में
बताते हैं कहाँ पर राजा को कैदी रखा था, कहाँ से उसकी रानियाँ बैठती थी, तालाब, यही सब नॉर्मल बताते हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो में आपको टूर गाइड के अनुसार से बताएंगे कि किस प्रकार से आपको यहाँ घुमाएंगे, टूर गाइड लेकर आओगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं और आसपास का व्यू को आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से देखने को मिलता है। सो भाई साहब मेरे पीछे में देख रहे हैं, इधर पूरा फोर्ट का व्यू आपको आ रहा होगा, देख सकते हो पूरा, देख सकते हो। तो चलिए और आपको घुमाते हैं। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो किले का व्यू कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा जब अंदर आओगे। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरा सो गाइस आप जो देख रहे हैं यह है आगरा का किला और हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं विद गाइड और विदाउट गाइड दोनों के साथ। देख सकते हो बहुत ही प्यारा यहाँ पर पूरा महल टाइप से बना हुआ है। तो इसको घूमने में आपको 25% ही घूमने के लिए खोला गया है और 75% अंदर में दोस्तों, जिसको अभी आर्मी कैंप के रूप में दिया गया है, तो आप देख सकते हो पीछे में। तो चलिए और भी आपको आसपास के व्यू को दिखाते हैं। सो फाइनली गाइस आप मेरे पीछे में देख रहे हो यहीं से एंट्रेंस होता है आगरा किला का। तो दोस्तों यहाँ से पूरा वीडियो आप देख सकते हो, पूरे वीडियो का अध्ययन लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।